बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में रहने वाले मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीना जी व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। जी तो व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं खारियां। भांजा आया हुआ था अपनी फैमिली के साथ ईद करने के लिए, यहाँ पे उसके ससुराल हैं यहाँ पे, तो वो वापस जा रहा था। तो भतीजे के साथ हम लोगों ने सोचा कि चले हम भी थोड़ा सा घूम फिर आते हैं, क्योंकि ईद के दिनों में कहीं जाना नहीं हुआ, ट्रैफिक जो थी वो बंद थी। तो आज हम आपको भी अपने साथ साथ जो है वो रखेंगे। अभी हम इस टाइम वज़ीराबाद पहुँच चुके हैं। ये दरिया चनाब है, आप देख रहे होंगे दरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है। कुछ बारिशों की कमी है और कुछ आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, जिसकी वजह से पानी जो है वो खुश्क हो जाता है। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ईद के दिनों में वो भी कहीं बाहर नहीं निकले। ये किनारा रेस्टोरेंट है, आप देख रहे होंगे आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चों ने एक दफ़ा कोल्ड ड्रिंक पी रस्ते में, फिर हमें ये गन्ने का रस नज़र आया, तो हमने सोचा चलें ये कुदरती तो है, इसे पीते हैं। महंगाई ने और लोगों की बढ़ती हुई डिमांड जो है उसको पूरा करने के लिए लोगों ने इसमें स्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दिया हुआ है। अब ये भी इतना खालिस तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये उन कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है जिनमें कैफीन होती है। तो मोस्टली मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ, अगर मैंने कभी पीना हो तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ नहीं करती, और बच्चों को भी मना करती हूँ, पर बच्चे फिर भी जो हैं वो बाज नहीं आते। चलें इसे पीकर थोड़ी देर के लिए रिफ्रेशमेंट का एहसास तो होगा। फैमिली के साथ और अपनी कन्वेंस में आने का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ दिल किया वहीं पे स्टॉप कर लिया। जी गन्ने का रस हमने पी लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं, तकरीबन आधा घंटा हमें और लगेगा और हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। जी तो व्यूअर्स, रास्ते में मुझे सूरजमुखी के फूलों का एक खेत नज़र आया है, जो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक है, माशाल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे बच्चों ने कभी नज़दीक से ये फ्लावर जो हैं ये नहीं देखे, मोस्टली ये कुकिंग ऑयल के पैक के ऊपर ही बने होते हैं, या बच्चे वीडियोज़ में या कार्टून वगैरह में देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मामा हमने इसको नज़दीक से जाकर देखना है, तो मैंने इनको बोला चलें ठीक है आएँ, मैं आपको पास लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ। बच्चों को मैंने थोड़ा दूर ही रखा है, क्योंकि इसमें शहद की मक्खियाँ जो होती हैं वो भी होती हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बड़े साइज़ के ये फ्लावर्स जो हैं बने हुए हैं, लेकिन अभी इनके अंदर जो बीज हैं वो बहुत कच्चे हैं। आप सबको पता ही है कि कुकिंग ऑयल में इसका बीज जो है वो यूज़ होता है। मौसम सरमा में इनके बीज जो हैं वो पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे, वो भी हम खाते हैं। शहरों में मोस्टली ये चीज़ें जो इस तरह के खेत वगैरह होते हैं वो आबादी से काफ़ी हट के होते हैं, इसलिए बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो आज ये नज़र आए तो मैंने सोचा चले मैं बच्चों को पास से व्यू करवा कर लाती हूँ और आप सबको भी दिखाते हैं। ये मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर जाऊँ, लेकिन माशाल्लाह ये जो पौधे हैं इनकी हाइट जो है ये मुझसे भी ज़्यादा है, मतलब अगर मैं इनके सेंटर में चली जाती हूँ तो मैं आपको नज़र नहीं आऊँगी, लेकिन इसके सेंटर में जाना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि तकरीबन हर दूसरे फूल के ऊपर बड़े साइज़ की शहद की मक्खी जो होती है वो बैठी हुई है और इनके रस चूस रही है इनसे शहद बनाने के लिए। तो जस्ट मैं इनको जस्ट टच जो है वही करूँगी, वो भी देखकर जिसके ऊपर मक्खी नहीं बैठी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। जी तो व्यूअर्स, अब हम आगे चल दिए हैं, अभी तकरीबन 5 मिनट के फासले पर घर हम पहुंच जाएंगे।
बाहर गर्मी तो बहुत है, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी में एसी ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें गर्मी फील नहीं हो रही। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि गर्मी वाकई जो है वो है। जी तो व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ी हम लोगों ने एक जगह पर खड़ी कर दी है। अब मैंने सोचा कि चले मैं आपको थोड़ा सा व्यू जो है वो करवा देती हूँ, क्योंकि सिस्टर का घर जो है वो टोटली बंद है और पत्थर टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो माहौल है वो टोटली जो है वो गांव जैसा है। तो मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ, ये देखें, ये माशाल्लाह छोटा सा गाय का बच्चा है, बहुत क्यूट लग रहा है ये। मैंने बहुत कोशिश की है इसे टच करने की, लेकिन वो मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहा। ये उसकी माँ है और आई थिंक ये उसके पापा हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि नहीं, ये इस बछड़े का भाई है। जी तो वीवर, ये उनके साथ वाले हमसाए हैं, उनका ये बड़ा सा सेन है उनके घर का, एक जैसे हवेली स्टाइल में कह लें। उन्होंने हर किस्म की चीज़ जो है यहाँ पे वो लगाई हुई है, फूलों के पौधे, फलदार पौधे, इवन के छोटी मोटी सब्जियाँ जो हैं ये सब कुछ उन्होंने लगाया हुआ है, कि अगर अर्जेंट किसी वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो घर से ही अवेलेबल होती है। तो चलें मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवाती हूँ यहाँ पे। ये उन्होंने बकरियों के लिए थोड़ा सा चारा जो है वो भी लगाया हुआ है, आई थिंक ये बाजरा है या कुछ इस तरह का, आई हैव नो आइडिया। इनके सेंटर में लेमन का एक बहुत बड़ा पेड़ था, इस पर काफ़ी सारे लेमन जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो ग्रीन हैं। नेचर को अगर आप सही मानों में फ़ील करना चाहते हैं तो वो आपको देहात में ही मिलती है। शहरों में आबादी की वजह से दरख्तों का कटाव जो है वो हो जाता है। अब तो मेरे ख्याल से शहरों में बहुत खेत जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, मेरे घर के इर्द गिर्द भी, पीछे भी बहुत ज़्यादा, स्टेडियम वाली साइड पे भी। ये इनके घर में लोकाट का दरख्त जो है वो लगा हुआ है, उनका कहना है कि ये रमज़ान में हम लोगों ने बहुत सारे लोकाट जो हैं इसके साथ से उतारे हैं, माशाल्लाह बहुत फल लगा हुआ था इसको। जी तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। शाम में इंशाल्लाह हम लोग एक और जगह जाएंगे, तब हम आपको कल दिखाएंगे।